मैं हूं शोभा नंदन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है मलाई केक। मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम 1 लीटर दूध लिया है। रबड़ी बनाने के लिए फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करें। दूध में उबाल आने के बाद दूध के 1/3 रह जाने तक दूध को पकाकर गाढ़ा कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए दूध को बीच बीच में चलाते हुए पका लें, जिससे कि दूध तले में ना लगे। दूध के 1/3 रह जाने पर दूध के अंदर 100 ग्राम चीनी डालकर मिक्स कर लेते हैं। मेजरमेंट कप से अगर हम चीनी का मेजरमेंट लेते हैं तो आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी है। दूध के अंदर चीनी डालने के बाद दूध को 5-10 मिनट के लिए फिर से पका लेते हैं। दूध को पकाते समय बीच बीच में चलाते हुए पकाएं, जिससे कि दूध तले में ना लगे। दूध के अंदर चीनी के अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद 1/4 कप ड्राई फ्रूट को बारीक काटने के बाद दूध के अंदर मिक्स कर लें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ते का यूज़ किया है। दूध के अंदर ड्राई फ्रूट डालने के बाद 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं। इलायची पाउडर डालना ऑप्शनल है। मलाई केक के ऊपर लगाने के लिए रबड़ी बनकर तैयार है। रबड़ी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद रबड़ी और भी गाढ़ी हो जाएगी। केक को बेक करने के लिए बड़े साइज के भगोने को लो फ्लेम वाले बर्नर के ऊपर रखकर भगोने के अंदर जाली स्टैंड रख देते हैं। जाली स्टैंड के ऊपर एल्युमिनियम की प्लेट रख देते हैं। प्लेट रखने के बाद भगोने को प्रीहीट कर लेते हैं 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। उसके बाद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। केक का बैटर बनाने से पहले मोल्ड को रिफाइंड तेल लगाकर अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें, क्योंकि हमें मैदे की डस्टिंग या बटर पेपर का यूज़ नहीं करना है, इसलिए मोल्ड को अच्छी तरीके से तेल लगाकर ग्रीस कर लें। बैटर बनाने के लिए बाउल के अंदर 1/2 कप पिसी हुई चीनी डाल देते हैं, 1/2 कप दही डाल देते हैं, 1/3 कप रिफाइंड तेल डाल देते हैं, 1/3 कप दूध डाल देते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स के अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के लिए बाउल के ऊपर छन्नी रख लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1 कप मैदा ले लेते हैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर सभी इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना ज़रूरी है। सभी इंग्रेडिएंट्स को बाउल में डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं। रेसिपी में बताए गए सभी इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट है। इंग्रेडिएंट्स को आपको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप केक के ऊपर रबड़ी नहीं लगाना चाहते तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। केक का बैटर बनकर तैयार है। बैटर को चम्मच से गिराने पर बैटर रिबन की तरह गिरना चाहिए। बैटर को ग्रीस करके रखे हुए केक मोल्ड में पलट लेते हैं। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट जरूर करें। बाउल के अंदर बचा हुआ बैटर भी चम्मच की सहायता से निकाल लें। बैटर को केक मोल्ड में पलटने के बाद 2-3 बार थपथपा लें, जिससे कि बैटर की सारी एयर बबल्स निकल जाएं। केक को बेक करने के लिए प्री हीट भगोने के अंदर रख देते हैं। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक करेंगे। लेकिन 15 मिनट के बाद केक को एक बार चेक जरूर कर लें। केक को बेक करने में टोटल 20 मिनट का समय लगा है, लेकिन बेकिंग का टाइम बर्तन के तले पर और गैस की फ्लेम पर भी डिपेंड करता है। हाई फ्लेम पे केक को 5 मिनट बेक करने के बाद फ्लेम को एकदम लो पे कर देते हैं। केक को बेक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं। केक को चेक करने के लिए टूथपिक लेकर केक के सेंटर में डालकर देखेंगे। टूथपिक एकदम साफ निकल कर आया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। केक को 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। केक को 5 मिनट तक रखने के बाद केक को ठंडा करने के लिए बर्तन से बाहर निकाल लें। बर्तन से बाहर निकालते वक्त सावधानी रखें, क्योंकि बर्तन काफ़ी गर्म है। केक के ठंडा हो जाने पर सबसे पहले केक के किनारों को मोल्ड से अलग कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा केक को हटा लेंगे। ऐसा करने से केक को मोल्ड से बाहर निकालने में आसानी होगी। केक के ऊपर खाली प्लेट रखने के बाद मोल्ड को पलटकर मोल्ड से केक को बाहर निकाल लेते हैं। बिना बटर पेपर या बिना मैदा की डस्टिंग के भी केक एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। केक का अच्छा कलर आने के साथ साथ केक एकदम स्पंजी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। केक के ऊपर रबड़ी लगाने से पहले केक को वापस मोल्ड के अंदर रख लेते हैं। मोल्ड से बाहर मैंने केक को इसलिए निकाला था ताकि मैं आपको केक का टेक्सचर दिखा सकूं। केक के ऊपर कटिंग के निशान लगा लेते हैं। ऐसा करने से रबड़ी केक के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। केक को कट करते समय भी आप देख सकते हैं केक कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। सारे केक को पीसेस में कट करने के बाद एक पीस को केक मोल्ड से बाहर निकाल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर से एकदम बढ़िया जाली बनकर तैयार हुई है।
केक को वापस मोल्ड में रखने के बाद केक के ऊपर रबड़ी की लेयर लगा लेते हैं। रबड़ी को गाढ़ा करने के लिए मैंने रबड़ी के अंदर 1/4 कप मिल्क पाउडर डालकर मिक्स कर लिया था, लेकिन आपको अगर पतली रबड़ी पसंद है तो मिल्क पाउडर का यूज़ ना करें। केक के ऊपर रबड़ी की लेयर लगाने के बाद रबड़ी को एक समान फैलाकर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लें। गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता और बादाम का यूज़ किया है, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट का यूज़ करें। केक को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडा हो जाने के बाद केक को सर्व करें। केक को फ्रिज के अंदर रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। केक के ऊपर रबड़ी की लेयर भी केक के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुकी है। केक को पीसेस में कट करने के बाद सर्व कर लेते हैं। केक को आधा घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद सर्व करने के लिए मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया था, इसलिए केक के पीसेस को कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप केक को 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद सर्व करोगे तो इसको कटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम तरीके से केक के दूसरे पीस को भी कट करके प्लेट में निकाल लेते हैं। मलाई केक को प्लेट में निकालने के बाद थोड़ी सी रबड़ी केक के ऊपर डालकर सर्व करें। गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट या चॉकलेट सिरप का यूज़ करें, इससे केक देखने में और भी अच्छा लगेगा।